पास छूटे पर छूटे ना वो घर। बेटी का काशी और काबा पीहर। माँ की गोली पिता का साया बाबुल का आंगन सरमाया। रची मेहंदी बनी दुल्हन ये आंगन हो गया पराया। छोड़ चली भाग्या साला। चोर चोर हमारे पैसे। मनीष रुपए हमें दे दो, ये हमारे। हेलो भाभी। नंदनी। हाँ नंदनी बोलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? अब ठीक हो या ना हो, समुंदर पार बैठी तुम क्या कर सकती हो? भाभी मैं जितना कर सकती हूँ उतना तो हमेशा ही करूंगी। मैंने 50,000 रुपए भेजे थे बाऊजी की श्राद्ध के लिए, वो पैसे मिले? मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। अच्छा विष्णु भैया कहाँ है? वो तुम्हारे बाबूजी का श्राद्ध है ना, बस उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। न जाने कौन सा फर्ज निभाना है, जेब में पैसे नहीं, ढेला है नहीं किसी को देने को, लेकिन पुण्य कमाना है। अच्छा भाभी एक काम कीजिएगा, भैया से कहिएगा कि मैंने वो पैसे उसी काम के लिए भेजे हैं, उन्हें जितने भी खर्च करने हैं वो कर ले। माँ कहाँ है? वो तो दवा खाकर सो रही है, कहो तो उठा दूँ? नहीं माँ को उठाने की जरूरत नहीं है, मैं दोबारा फोन कर लूंगी। अपना ख्याल रखिएगा, बाय। ऐसे कैसे दे दे? ये पैसे हमने उस चोर से छीने हैं, फिर आपके कहां से हो गए? नहीं भैया ये हम कर्ज लेकर आए। कर्जा? आपने फिर से कर्जा ले लिया? अरे अभी अभी तो अपना घर नीलाम होने से बचा है, वो तो भला उस राज का जिसने हमारा घर नीलाम होने से बचा लिया। और अब क्या गिरवी रखा है आपने? फालतू बातें मत करो, हम सेठ सेठ द्वारका जी से कर्ज लेकर आए। अरे भला ऐसा कौन सा सेठ मदद करता है, जरूर कोई ना कोई स्वार्थ होगा उसमें उसका। सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते, अच्छे लोग भी होते। लो 2,500 रुपए हमें दे दो। तो और सुनो, पिताजी का श्राद्ध है, पूजा के लिए घर आ जाना, और किसी लिए ना सही, कम से कम पिताजी की आत्मा के लिए इतना तो कर देना। सागर कैंप पर गया है वो तो आ नहीं सकता, तू आएगा तो अच्छा रहे। अरे नंदनी प्लीज जरा वो फाइल देना मुझे। हाँ थैंक्स, मैं शाम को मिलता हूँ। आप समीर एक मिनट, कुछ पूछना था। आज बाबूजी का श्राद्ध है, मैं सोच रही थी गरीबों में कुछ दान कर दूँ, उन्हें खाना खिला दूँ। ऑफ कोर्स इसमें मुझे पूछने की क्या जरूरत है, जैसा तुम ठीक समझो। ओके थैंक यू, आई विल सी यू लेटर, बाय बाय।
बहुत खूब। मुझे लगता है तुम अब पागल हो चुकी हो, कुछ समझती नहीं हो। अरे परंपरा भी कोई चीज होती है, धर्म भी कुछ है। मैंने तो आज तक नहीं देखा किसी लड़की को अपने बाप का श्राद्ध करते हुए। क्यों? मैं अपने बाबूजी के श्राद्ध के दिन उन्हें याद करके उनके नाम से पूजा करना चाहती हूँ, तो इसमें बुरा क्या है? कौन सा धर्म भ्रष्ट हो गया, कौन सी परंपरा टूट गई? बस ये लटके छटके वहां अपने गांव में दिखाना। अरे हर पूजा की एक खास विधि होती है, एक खास तरीका होता है। अगर पूजा में विधि का ध्यान ना रखा गया तो उसका फायदा क्या? इसमें विधि की बात कहां से बीच में आ गई मम्मी जी? मैं सारी चीजें ठीक उसी तरह करना चाहती हूँ जैसे आज तक लोग करते आए हैं। अच्छा तो तुम्हारे गांव में कौन लड़की अपने बाप का श्राद्ध करती है? कभी देखा है किसी को? बताओ। देखिए मैं आज के दिन गरीबों में दान करना चाहती हूँ, दैट इज ऑल। अरे दान धर्म में भी पैसे लगते हैं। जो काम तुम्हारे गवार भाई का है वो तुम करना चाहती हो? ये कौन सी उल्टी गंगा बहाना चाहती हो? देखिए मैं बस इतना चाहती हूँ कि आज मेरे बाबूजी का श्राद्ध है, आज के दिन मैं उन्हें याद करूं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूं। इससे ज्यादा मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। अरे तुम्हारी यही चाहत तो मेरे लिए परेशानी का कारण है। उल्टी उल्टी बातें करती हो, जाने किस मिट्टी की बनी हो, जाने कौन से स्कूल से पढ़कर आई हो। अरे बहुत लोग देखे हैं तुम्हारे इंडिया के, मगर तुम्हारे जैसा ढीठ और कोई नहीं देखा। ये रहा पंडितों के दान का सारा सामान, ये जूते बर्तन छतरी, ये सारी चीजें जरा संभाल के रख लेना, आज शाम के भोजन के बाद उन्हें दान में देना है। और सुनो आटे की पिंडिया जरा जल्दी तैयार करके रखना, हमें सारा सामान लेकर मंदिर जाना है। और जरा मेरी बात मानो, ये सब जरा जल्दी करो। इतना सारा काम और कोई हाथ बटाने वाला भी नहीं है। देखो मैं जानता हूँ कि तुम ये सारा काम अकेली संभाल सकती हो, तुमने पहले भी किया है, आज भी संभाल लो, मैं थोड़ा और काम निपटा के आता हूँ। अच्छा बात है, आज बड़ी गुस्से में नजर आ रही। गुस्सा नहीं करूं तो और क्या करूं? आपको तो किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ता, मगर मैं कैसे हर बात को यूं ही छोड़ दूं? अरे भाई किस बात को कौन छोड़ने के लिए कह रहा है? ये पहली मत बुझाओ, बताओ क्या परेशानी है तुम्हारी? परेशानी मैं आपको कह देती हूँ, ये लड़की एक दिन हमारे घर की परंपरा, हमारे घर की रीति रिवाज को बेच खाएगी। मैं समझ नहीं पा रही हूँ आखिर आपने उसे अपने सर पर क्यों चढ़ा रखा है? सर पे तो मैंने तुम्हें भी चढ़ा रखा, तभी तो इस तरह बात कर रही हूँ। देखो प्रतिभा, इस सोच को बदलो, तुम्हारी परंपरा, तुम्हारे रीति रिवाज सब अपने आप सही हो जाएंगे। क्या खाक सही होंगे? इसके रहते हमारे घर की परंपरा रीति रिवाज कभी सही तरीके से मनाए नहीं जा सकते। अरे इसे इतनी भी तमीज नहीं है कि एक लड़की और लड़की में क्या फर्क होता है। अच्छा, लड़के लड़की में क्या फर्क होता है तुम समझा सकती हो मुझे? मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आता। ओ गॉड, मैं अकेले किस किस से लड़ूं? ये अपने आप को अपने पियर का बेटा समझती है, मगर इतनी सी बात नहीं जानती कि जो काम एक बेटा कर सकता है वो काम एक बेटी नहीं कर सकती। लेकिन आखिर हुआ क्या? क्या हुआ? ये लड़की अपने बाबूजी का श्राद्ध करने जा रही है, श्राद्ध, मगर ये नहीं सोच सकती कि इसकी एक गलती से हमारे घर में भी अमंगल हो सकता है। मगर मेरी कोई सुने तब ना। But I don't think so, प्रतिभा। क्या फर्क पड़ता है इससे? अरे बेटा हो या बेटी, आपका श्राद्ध करने का हक सबको होता है। Does it make any difference? No?
बुराई क्या है इसमें? हमारी रीति रिवाज, हमारी परंपरा हम ही लोग बनाते हैं। इन सब से बढ़कर है हमारी खुशी, हमारी संतुष्टि। अरे भैया, अगर नंदनी को अपने बाप का श्राद्ध करने के बाद संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है तो ओके। कम ऑन, ग्रो अप। एंड आई डोंट नो, ये बात तुम कब समझोगी कि हर इंसान को खुश होने का और संतुष्ट होने का अधिकार होता है? नमः गजाननम भूतगणादि सेवित कपित जंबुफल चारु भक्षणम नमस्कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अब आप ये सातों पिन यहाँ रखेंगे। और बारी बारी सबकी पूजा करेंगे। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मरत पुंडरीकाक्षम सबायाभ्यंतर सूचि ही। अब ये सातों पिंड के ऊपर आप अक्षत से पूजा करेंगे। तुम्हारी हर इच्छा पूरी करें, तुम्हारा सुहाग अमर रहे, तुम्हारा परिवार खुश रहे। भगवान आपको सदा खुश रखे। भगवान बड़ा कारसाज है, जो पुण्य का काम तुम कर रही हो उससे बड़ा पुण्य का काम और नहीं। हम भगवान से दुआ करते हैं कि आपकी गोदहरी हो और आप सदा सुखी रहें। तेरी तबीयत ठीक नहीं है। बड़े दिनों से हरारत लग रही है, तबीयत ठीक नहीं लग रही। अम्मा, जब तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए था ना। क्या इस घर में कोई नहीं है जो तुझे डॉक्टर के पास ले जा सके? आज तेरे बाबूजी का श्राद्ध है, विष्णु मंदिर क्या है। अम्मा, तुझे अकेला ऐसी हालत में कैसे छोड़कर जा सकते हैं? मुझे बता नहीं सकते थे? अब तू ही बता, वो बेचारा अकेला क्या क्या करेगा? और भाभी, वो कहाँ है? उसको तो अपने आप से ही फुर्सत नहीं। अम्मा, अगर आज मैं नहीं आता या तू चक्कर खा के गिर जाती, या भगवान ना करे अगर ऐसी कोई अनहोनी हो जाती, तो इसका जिम्मेदार कौन होता? बहुत बड़प्पन दिखाते हैं ना वो। अरे जब एक अकेली माँ को नहीं संभाल पा रहे हैं तो किसी और को क्या संभालेंगे वो? हे भगवान, तू
हमेशा विष्णु को कोसता क्यों रहता है? तो और क्या करूं अम्मा, ये सारी तकलीफें उन्हीं के पैदा की हुई हैं। मैं अभी जाकर उनसे पूछता हूँ कि तुझे अकेला ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हो। अरे जब अपनी जिम्मेदारी संभाली नहीं जाती तो अपनी बीवी को लेकर इस घर से चले क्यों नहीं जाते वो? मैं अभी उनसे जाके पूछता हूँ। मनीष, मनीष रुक जा, मनीष। अब आप ये सारी सामग्री, ये पिंड और ये सब सारी सामग्री थाली में इकट्ठा करूंगे और फिर पीपल के झाड़ के नीचे रख देंगे। गरिमा यहाँ आइए। जी पापा। बैठिए। क्या चल रहा है आजकल? जी पापा कुछ नहीं, वो बस मैं ऊपर पढ़ रही थी। तो हम देख ही रहा हूँ कहाँ पढ़ाई लिखाई चल रहा है। बेटा हम तुमको कुछ कहना चाहता हूँ। कहा है कि अब तुम बड़ी हो गई हो और बात है कि हमरे लिए तो सारी जिंदगी तुम बच्ची ही रहोगी। कहा है ना बेटी, ये मनीष जैसे लड़के जो है ना, ये ठीक नहीं है। अरे जो अपने घर का सगा नहीं हो सका वो तुम्हारा कहाँ साथ देगा? अब देखो तुम अकेली रहती हो, हम भी यहाँ हुआ इलेक्शन के चक्कर में जाते रहते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए। और अगर आप कहती हैं तो हम आपका बुआ जी को बुला देते हैं, वो तुम्हारा ध्यान रखेगी। नहीं पापा, हमें किसी की जरूरत नहीं है। और आप लोग मनीष को जैसा समझते हैं वो वैसा नहीं है। अरे तुमको हमसे ज्यादा अकल है का? अरे हमसे जबान लड़ाएंगी तो हम मनीष को तड़ी पार करवा देंगे, इस हार में शकल भी नहीं दिखेगी उसकी। भैया भैया, चिल्ला क्यों रहा है मनीष, ऐसा क्या हो गया? देखती ना यहाँ पूजा चल रही। अरे आप यहाँ मरे हुए की पूजा कर रहे हो और वहाँ अम्मा की तबीयत क्या हुआ? अम्मा को बस कीजिए, बढ़िया है अम्मा अम्मा करने वाले। जब आपको पता है कि अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है तो काहे उन्हें मरने के लिए अकेला छोड़ दिया? अरे और कितनों का श्राद्ध कराना चाहते हो? पागल हो गया मनीष, कैसी बातें कर रहा है? यहाँ पर पिताजी का श्राद्ध चल रहा है और तू ऐसी अशुभ बातें कर रहा है। तो और क्या करूं, क्योंकि आपको तो इन सब फालतू की बातों से फुर्सत है नहीं। तो ये सारी बातें बेकार लग रही हैं। अरे ये पिताजी का श्राद्ध है, इससे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। यजमान श्राद्ध की क्रिया पूरी हो जाने दीजिए, मुहूर्त निकला जा रहा है। तू एक काम कर, फिलहाल आ और हाथ बटा, चल तू भी हाथ लगा। अरे देख क्या रहा, हाथ लगा। अभी आ जाइए, पिताजी को पिंडदान करने से कोई छोटा नहीं हो जाता।
है भाई। हाथ लगाई पंचाक्षर मिदम पुण्यम यह पटे शिव सन्निधो शिव लोकम वापनोति शिवेन सह मोदते।